आपको पता होगा कि जब से पठान मूवी का एक गाना जिसका नाम है बेशर्म रंग, ये गाना जब से सोशल मीडिया में आया है तब से बवाल मच रखा है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में लोग ये बोल रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने इस गाने में भगवा रंग के कपड़े पहने हैं और जिस प्रकार के सीन इस गाने में दिखाए गए हैं उससे भगवा रंग का अपमान होता है और भगवा रंग हिंदुत्व का प्रतीक है, तो सीधे सीधे तौर पर हिंदुत्व के अपमान की बात यहाँ पे कही जा रही है। सोशल मीडिया में तो ये सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बयान दिया है जिसके बाद मामला और गर्मा गया है। नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला कि दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्यों व वेशभूषाओं को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, जहाँ तक बात है भगवा रंग के कपड़े से हिंदुत्व के अपमान की बात, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी क्रिकेट टीम ने भी एक बार भगवा रंग के कपड़े पहने थे। बहुत सारी मूवीज में आपको जो अभिनेत्रियां हैं, एक्ट्रेस हैं, वो भगवा रंग के कपड़े में नजर आ जाएंगी। तो किसी भी मूवी में कोई किसी भी तरह का कपड़ा पहने, किसी भी रंग का कपड़ा पहने, तो उससे किसी के भी धार्मिक भावना आहत होने की जो बात है वो पूरी तरह से गलत लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे हमें हिपोक्रेसी यानी कि दोगलापन भी देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि हरर शंभू वाला गाना सिंगर फरमानी नाज ने गाया था, जब इनका गाना फेमस हो गया था, यूट्यूब में ट्रेंड करने लगा था, तब इनके खिलाफ फतवा जारी होने की खबर आई और कहा गया कि इन्होंने जो काम किया है वो इनके धर्म के अनुरूप सही नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सा सवाल ये उठता है कि जिस मौलवी ने हर हर शंभू वाला गाना गाने पर सिंगर फरमानी नाज के खिलाफ फतवा जारी किया था, क्या वो मौलवी सलमान खान की इस मूवी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे? तो बहुत समय से एक बात देखने को मिलती है कि जो भी व्यक्ति हिंदुत्व के साथ में जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो जाता है, जैसे फरमानी नाच के खिलाफ भी हुआ था कुछ टाइम पहले। जैसा कि आपको पता होगा, आमिर खान ने कुछ विवादित बयान दिए थे और उनकी मूवी को बॉयकॉट करने का काम शुरू हो गया था। ऐसे इनने भी पहले विवादित बयान दिए हैं इंडिया के बारे में, तो उसी चक्कर में इनकी मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। जहां तक बात है दीपिका पादुकोण की, तो आपको पता होगा जब इनकी मूवी आने वाली थी छपाक, तब ये JNU में गई थी। आपको पता होगा 2020 में JNU में एक हिंसा देखने को मिली थी, तो JNU में हुई इस हिंसा में जितने लोगों को चोट लगी थी उनसे मिलने के लिए जब दीपिका पादुकोण 2020 में पहुंची थी, उस टाइम तो उनकी मूवी छपाक आने वाली थी। जब ये यहाँ पहुंची तो उसके बाद बॉयकॉट छपाक वाले जो ट्विटर में ट्रेंड होने लग गया था, तो इन लोगों की दुश्मनी दीपिका पादुकोण से यहां से शुरू हुई है। आपको पता होगा कि पठान 25 जनवरी को आने वाली है और इस मूवी के बॉयकॉट का कार्यक्रम अभी से शुरू कर दिया लोगों ने। तो अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप क्या ये मूवी देखने जाओगे, क्या ये मूवी आप नहीं देखने जाओगे, क्या है आपकी राय, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।